मलिका शेरावत पब्लिसिटी के लिए कितनी हंग्री है उसका अंदाजा आपको हमारी इस खबर को सुनने के बाद पता चल जाएगा। शुरू से ही थी। जरा गौर से सुनिएगा, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि मलिका शेरावत ने ऑस्कर में अपने आप को जम कर फ्लॉन्ट किया, लेकिन आपको शायद अंदर की बात ना पता हो। और अंदर की बात ये है कि मलिका इस रेड कार्पेट पर फोटोज क्लिक करवाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो सबसे पहले यहाँ पहुँच गयी। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जब मलिका यहाँ पहुँची तो एक भी कैमरामैन रेड कार्पेट पर उनकी पिक्स क्लिक करने के लिए अवेलेबल नहीं था। अरे क्यों मेरी दुखती रख पे हाथ रख रहे हो तुम लोग। बेचारी मलिका चुपचाप वहाँ से चली गई। और सुनिए, जब कुछ देर बाद मलिका वापस आई और शो को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, तो उस समय होस्ट ने बोला कि कोई लेडी अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही है। जी हाँ, ऑस्कर के होस्ट मलिका का नाम भी नहीं जानते थे। मैं हूँ जनता की आवाज़। वैसे ऑस्कर पर अभिषेक और ऐश्वर्या भी पहुँचे थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा गया। कहीं इसकी वजह मलिका का ये बयान तो नहीं जो उन्होंने कुछ दिन पहले अभिषेक को लेकर इनडायरेक्टली दिया था? मुझे ऐसा लगता है टू मेक इट इन हॉलीवुड इज इजियर देन बॉलीवुड, क्योंकि वहाँ जो नेपोटिज्म है ना, ये नेपोटिज्म नहीं है। यहाँ तो सभी अपना वंश आगे चलाते हैं। हीरो का बेटा हीरो, चाहे जितनी फिल्में 20 फिल्में फ्लॉप हो फिर भी हीरो। Well, जो भी हो, लेकिन ताज्जुब की बात है कि हॉलीवुड का गुणगान करने वाली मलिका को हॉलीवुड के लोग ही नहीं जानते। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है।